social media influencer. You guys know what is the meaning of social media influencer? Social media, जैसे कि social apps हमारे YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram. Influencer, someone जो आपको influence करता है चीजें करने के लिए. यानी कि अभी आप confused हैं दो तीन चीजों को लेके, दो तीन options हैं, उनमें से कोई एक option choose करना है. लेकिन वो influencer की बात सुन के आप लोग क्या करते हैं, आप वो चीज को choose कर लेते हैं. खुद एक influencer हूँ. यानी कि अगर आप किसी चीज को लेके कंफ्यूज हैं और मैं उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं कि मेरे हिसाब से तो वो चीज ठीक है, तो आप लोग वो चीज करने लगोगे. ऐसे में गाइस, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना, जो कि मुझे लगता है कि हर कोई इतना नहीं सोचता, बट मेरे हिसाब से बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. क्योंकि हम जो भी बात बोलते हैं, जो भी एक्शन हम करते हैं, जिस भी चीज के टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करते हैं, वो बात आपको इन्फ्लुएंस करेगी, जरूर करेगी. और कहीं ना कहीं वो डिसीजन आपके दिमाग में जाएगा. यानी कि अगर मैं सोच रहा हूँ कि गाइज मेरे हिसाब से ये बात अच्छी है, तो आप लोगों को भी लगेगा कि ठीक है ये बात अच्छी है क्योंकि ये बात इनके हिसाब से अच्छी है. अगर मैं बोलूंगा कि मेरे हिसाब से गलत है, तो आप लोगों को लगेगा कि इन्हें लगता है गलत है, तो हमारे हिसाब से भी गलत है. तो गाइज अब बात यह है कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो इन्फ्लुएंसर होने की होती है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई भी स्टूडेंट गलत इन्फ्लुएंस हो और गलत डिसीजन ले ले अपने लाइफ में. सो अभी जो मैं वीडियो बताने जा रहा हूँ, जो बातें आज की वीडियो में बताऊंगा, हो सकता है उसमें से 80% 85% बातें सेम बातें मैं अपने पहले की वीडियोस में बता चुका हूं और अगेन उनके बारे में बात कर रहा हूं. बट इट्स नॉट ए रिपीटेड वीडियो, इट्स जस्ट अ रिमाइंडर कि ये बात है. एक बार फिर से रिमाइंड करवाना चाहता हूं उस चीज के बारे में, उस करियर के बारे में जो आप लोग करने जा रहे हैं. सो गाइस अभी शॉर्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि आज की वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं और किस चीज के ऊपर बना रहा हूं. ठीक है, किस चीज के ऊपर बना रहा हूं, क्यों बना रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं. गाइस बात ऐसी है कि देखो, होटल मैनेजमेंट जो ऐसा करियर होता है, मैं एक बात आपको दोबारा बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरी सारी वीडियोस को देखोगे तभी आप एक ढंग के कंक्लूजन पे आ पाओगे. अगर आप मेरी सिर्फ एडवांटेजेस वाली वीडियो, सिर्फ मेरिट्स वाली वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा होटल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अच्छा कोर्स है, जिसे नहीं भी करना होगा ना वो भी कर लेगा, जिसके अंदर वो क्वालिटीज भी नहीं होंगी. लेकिन अगर आप मेरी डिसएडवांटेजेस वाली, मान लो सिर्फ डिसएडवांटेजेस वाली वीडियो देखोगे, तो फिर जिसे करना होगा, जो करने के लायक होगा, जिसमें वो कैपेबिलिटी बोलो, क्षमता बोलो, वो भी नहीं करेगा. तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बार बार रिमाइंड करवाने की कि ये जो कोर्स करने जा रहे हो वो कोर्स किस चीज के ऊपर है और किन स्टूडेंट को ये कोर्स नहीं करना चाहिए. यस गाइस, अगर आपको लगता है कि आज की वीडियो डिमोटिवेशनल वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो डिमोटिवेशनल टॉपिक है, तो यस ये डिमोटिवेशनल टॉपिक है आपके हिसाब से, बट आई डोंट थिंक ये डिमोटिवेशनल टॉपिक है. इट इज जस्ट द ट्रूथ जो मैं आपको बताने वाला हूँ. तो बेसिकली गाइस हम लोग बात करेंगे कि आपको होटल मैनेजमेंट क्यों नहीं करना चाहिए. ये नहीं बोलूंगा कि आप सबको, लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो होटल मैनेजमेंट के लिए नहीं बने हैं. बिल्कुल यही बात है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो होटल मैनेजमेंट के लिए नहीं बने हैं. और गाइज मैं नहीं चाहता कि अभी मेरी वीडियो से इन्फ्लुएंस होके ये सोच के कि अगर ये बता रहे हैं सब कुछ अच्छा अच्छा है और सारे नेगेटिव्स को हटा के आप लोग होटल मैनेजमेंट कर लो और आगे जाके 2 साल 3 साल 4 साल बाद जाके आपको लगे कि आपने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया. तो मैं आपको बता रहा हूँ कि गाइज आपके फ्यूचर की बात है ये, आप अपने 3 साल देने जा रहे हो उस होटल मैनेजमेंट में. तो प्लीज गाइज थिंक अबाउट इट, जान लो कोर्स क्या है, किस तरीके का कोर्स है. और पॉजिटिव्स तो बात अलग ही होती है, सबसे मेन फोकस रहता है नेगेटिव्स के ऊपर कि नेगेटिव क्या क्या है, जिस चीज में सबसे कम नेगेटिव होता है वो चीज हम लोग चूज करते हैं. तो बहुत सिंपल वीडियो गाइस आज की, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि किन तरीके के स्टूडेंट्स को होटल मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए. व्हाई यू शुडंट डू होटल मैनेजमेंट, आपको होटल मैनेजमेंट क्यों नहीं करना चाहिए, या फिर आप में से कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें होटल मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए, जिनके लिए होटल मैनेजमेंट सुटेबल नहीं है. गाइस रियली सॉरी यार, मतलब अभी मैंने रिसेंटली देखा, मेरे 7-8 दिन हो गए, मतलब मोर देन अ वीक हो गया, मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी, थोड़ा बिजी चल रहा था. गाइस आई होप कि आप लोग समझे इस बात को, यार नहीं हो पाता, मतलब कभी कभी टाइम होता है तो लगातार वीडियो डाल देता हूँ, कभी कभी नहीं हो पाता तो एकदम से इतना इतना गैप भी हो जाता है. बट कोशिश मेरी ये रहती है कि यार ज्यादा गैप ना रहे, मैक्सिमम एक वीक तक जाए. तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दैट. गाइस आज की मेरी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और नजर डालते हैं कि किन तरीके के स्टूडेंट्स को होटल मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए, क्यों उनके लिए होटल मैनेजमेंट सुटेबल नहीं है. गाइस जो पॉइंट नंबर 1 है वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरी वीडियो का, उसे मैंने नंबर 1 पे रखा है, और वो है कि नो पर्सनल लाइफ, कि इसमें आपकी पर्सनल लाइफ नहीं है. यस गाइस दैट्स द ट्रूथ. लेकिन पर्सनल लाइफ का मतलब आपके लिए अलग हो सकता है, पर्सनल लाइफ का मतलब मेरे लिए अलग हो सकता है. तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मेरे हिसाब से पर्सनल लाइफ क्या है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि नो पर्सनल लाइफ. गाइस अगर आप मुझसे पूछो, मेरे हिसाब से पर्सनल लाइफ का मतलब ये है कि आप सुबह उठते हो, अपना ब्रेकफास्ट करते हो, 9 बजते हैं 10 बजते हैं 11 बजते हैं, आप लोग अपनी शिफ्ट पे जाते हो, आप लोग अपना काम करने जाते हो, अपने ऑफिस पे जाते हो, जो भी काम है वो करने जाते हो, काम करने जाते हो, 9-10 घंटे की शिफ्ट होती है जो आपकी एवरेज है, वो काम करके आप लोग शाम को मान लो 5-6 बजे तक 7 बजे तक 6 बजे तक लौट के घर पे आ जाते हो, 1-2 घंटे आराम करते हो, अपना जिम वगैरह जाते हो, वर्कआउट करते हो, फ्रेंड से मिलते हो, घर पे आते हो, खाना पीना खाते हो, और रात को अपना गेम वगैरह खेल के अपना जो भी कुछ करना है वो सब करके सो जाते हो.
अगले दिन फिर वो आप वही काम करते हो, आप 9 बजे 10 बजे 11 बजे आराम से सो के उठते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, काम पे जाते हो, इस तरीके से आपका रूटीन चलता है, सेम शिफ्ट है, सिंपल तरीके से चल रहा है। फिर क्या होता है, हफ्ते में आपको एक छुट्टी, कभी कभी दो छुट्टियां, कितनी कंपनीज होती हैं, अलग अलग तरीके की होती हैं, कोई कोई सैटरडे संडे की भी दे देता है, कोई कोई सिर्फ संडे की छुट्टी देता है, इस तरीके से आपको वीकेंड्स पर छुट्टियां मिलती हैं, आप लोग जाते हो काम करते हो और आपको छुट्टियां मिल रही हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। आपने ग्रेजुएशन करी और आपने ग्रेजुएशन करके ये सोचा कि यार ग्रेजुएशन करने के बाद मेरी सैलरी कम से कम 25,000 तो होनी चाहिए, तो गाइस ये मेरे हिसाब से थी पर्सनल लाइफ की, ऐसी पर्सनल लाइफ जिसमें आप ये सब चीजें कर पा रहे हो, ये है पर्सनल लाइफ। बट लेट्स टॉक अबाउट होटल मैनेजमेंट, कि होटल मैनेजमेंट में क्या सीन रहता है। गाइस होटल मैनेजमेंट में ये वाली पर्सनल लाइफ नहीं होती, मेरे हिसाब से पर्सनल लाइफ का मतलब ये है, और ये चीज होटल मैनेजमेंट में नहीं होगी गाइस। अगर आपको लग रहा है कि आप सुबह उठोगे, ब्रेकफास्ट करोगे, 9 बजे काम पे जाना है, फिर शाम तक आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। अलग अलग शिफ्ट होती है, मॉर्निंग शिफ्ट अलग होती है, उसके लिए आपको सुबह 6 बजे करीब उठना पड़ेगा, फिर आफ्टरनून शिफ्ट अलग होती है, इवनिंग शिफ्ट अलग होती है, नाइट शिफ्ट अलग होती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपके बॉस हैं वो आपको किस तरीके के शिफ्ट में डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज नहीं होगी वहां पर होटल मैनेजमेंट में, वो ऐसा कुछ कोर्स नहीं है। जो लोग सोच रहे होंगे कि होटल मैनेजमेंट इज जस्ट नॉट अबाउट होटल, इट्स हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे अभी आगे के पॉइंट्स में, हम लोग उसके ऊपर भी जरूर बात करेंगे। अभी मैं होटल के ऊपर मेन फोकस करके चल रहा हूँ। तो यार हम लोग सोच रहे हैं कि देखो आज का टाइम ऐसा है कि ग्रेजुएशन वगैरह कर लियो, 25,000 अप्रोक्सीमेट सैलरी मिल जाए, जैसे मतलब ये मैं ना बहुत वैसी बात कर रहा हूँ गाइस, जो मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात करके चल रहा हूँ, जो सारे स्टूडेंट्स को टोटल कर दो उसमें एवरेज स्टूडेंट्स निकल के आ रहे हैं, उनके हिसाब से पर्सनल लाइफ कैसी होनी चाहिए, उनके हिसाब से कोई वेल सेटल्ड लाइफ कैसी होनी चाहिए, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सैलरी 25,000 यार देखो ऐसा नहीं होता, सैलरी कम होती है, मैं कोई झूठ नहीं बोलता वीडियो में, मैंने पहले भी आपको बताया कि 15,000 हो गया, 20,000 हो गया, ठीक है, एमटी वगैरह हो गया, उनकी 25,000 का प्रोक्स जरूर होती है, एचओटी वगैरह हो गया, एचओटी की वैसे आई थिंक एचओटी की भी कमी होती है, बट 15,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है होटल मैनेजमेंट में, एंड दैट्स एब्सोल्युटली अ ड्रॉबैक, बिल्कुल ड्रॉबैक है। इतनी कम सैलरी इन लोगों को नहीं देनी चाहिए स्टार्टिंग में, बट देते हैं, ये ट्रेंड बना हुआ है और ये लोग इतनी सैलरी देते हैं, तो अगर आपके अंदर पेशेंस है तो वो आप करेंगे। सैलरी के ऊपर अभी नेक्स्ट पॉइंट में एक और डिस्कस करेंगे, मैं भी इसलिए इस पॉइंट में ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, मेन बात है पर्सनल लाइफ की। तो गाइस पर्सनल लाइफ इस तरीके से आपकी नहीं होगी होटल मैनेजमेंट में। तो गाइस एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि देखो ना बात क्या होती है कि अब आप में से कितने स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत टाइम से ऐसा सोच रहे होंगे कि यार मेरे को ऐसी जॉब चाहिए जिसमें ऐसे 9 से 5 बजे तक के 4 बजे तक की 6 बजे तक के शिफ्ट हो, ठीक है, अपना आराम से फैमिली के साथ रहूं, अप डाउन करूं घर से और सब कुछ इस तरीके से रहे। टेल यू वन मोर थिंग कि अगर आप होटल मैनेजमेंट करते हो, आप ये सब चीजें चाहते हो और आप होटल मैनेजमेंट करते हो, सबसे पहले तो इसमें आपका लॉस होगा, क्योंकि आपके पैसे बेकार जा रहे हैं, जो आपके पेरेंट्स के पैसे हैं, जो आप लोग फीस वगैरह जो आप लोग पे करोगे वो सब बेकार जाएगी, ठीक है, आप मान लो आपने ड्रॉप आउट कर दिया वो बेकार है, लेकिन इससे भी ज्यादा किसका लॉस होगा, इससे ज्यादा लॉस होगा उन बाकी प्रोफेशनल्स का जो ओरिएंटेड है, जिन्हें एचएम करना है, जो पूरा उनका मेन फोकस है कि मुझे होटल मैनेजमेंट करना है, मुझे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करना है, मुझे कुछ बनना है, मेरे अंदर वो पेशेंस है, मुझे कुछ बनना है, तो आप लोग कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ उनके लिए जाके कॉम्पिटिशन क्रिएट कर रहे हो, उन लोगों को एमटी निकालने में प्रॉब्लम होगी, उन्हें एचओटी निकालने में प्रॉब्लम होगी, उन्हें इंटरव्यू निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो होता क्या है कि जब इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो फिर उनके भी भाव बढ़ जाते हैं कि अच्छा इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, चलो कंपटीशन बढ़ा दो, अभी क्या था अभी मैं 2 राउंड में बच्चों को ले लूंगा, लेकिन अब कंपटीशन बढ़ा दो, अब मैं 5 राउंड में बच्चों को लूंगा, जब इतने सारे स्टूडेंट्स होंगे तो यार देखो ना, ये आपको अपनी वीडियोस में बहुत बार बता चुका हूँ कि ये जो मेरा चैनल है हॉस्पिटैलिटी बस, इस चैनल का जो सिर्फ एकमात्र फोकस है वो इस चीज के ऊपर है कि जो भी बच्चा होटल मैनेजमेंट करे, वो जान के होटल मैनेजमेंट करे, उसे पता है कि होटल मैनेजमेंट में सैलरी क्या होती है, क्या करियर होता है, उसके बाद मतलब पूरी लाइफ पता है, उसके बाद वो होटल मैनेजमेंट करे, इससे उसका भी लॉस नहीं होगा, इससे वो जो स्टूडेंट जो करियर ओरिएंटेड है, जिन्हें करना है अच्छा बिल्कुल पूरा मेन फोकस करके, उनके लिए भी फालतू का देखो कॉम्पिटिशन क्रिएट नहीं होगा, आपके भी पेरेंट्स की सैलरी हाँ बिल्कुल सैलरी से आएगी फीस, तो वो भी वेस्ट नहीं जाएगी। पॉइंट था हमारा नो पर्सनल लाइफ एंड दैट्स अ ट्रूथ, जो मेरे हिसाब से पर्सनल लाइफ थी जो मैंने आपको बताई वो लाइफ तो इसमें नहीं होगी। पॉइंट्स इंटर रिलेटेड है, नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंस। स्टार्टिंग के इयर्स में आपको मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग इयर्स कुछ किस तरीके से चलेगा, अभी मैं बाकी इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट होटल इंडस्ट्री, ठीक है। बाकी मैं आपको अगर होटल इंडस्ट्री की गाइस बात करें तो होटल इंडस्ट्री ऐसा कोर्स है जिसमें मैं आपको बताऊं, अगर आपने डिग्री करी है, ठीक है, आपने डिग्री करी है और आपके पास 2 साल का होटल का एक्सपीरियंस है, तभी आपकी इंडस्ट्री में वैल्यू है। स्टार्टिंग के जो 2 साल होते हैं इट्स लाइक अ ट्रेनिंग, ठीक है, आपके पास मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तब जाके आपकी वैल्यू होगी, और 2 साल को भी छोड़ दो मैं बोलूंगा तीन चार साल आपको स्टार्टिंग में पूरा काम करना पड़ेगा, तब जाके आपकी कुछ ढंग की सैलरी होगी। तो गाइस मैं आपको एक चीज सच बता दूं कि होटल इंडस्ट्री जो है ना ये इस टाइप की इंडस्ट्री है कि इसमें आपको अपने स्टार्टिंग के इयर्स देने पड़ेंगे, आपको अपने 3 इयर्स 4 इयर्स कितने लोगों के लिए 5 इयर्स
आपको वो ईयर्स देने पड़ेंगे अपने लाइफ के, आपको काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके आप जब कोई ढंग की पोजीशन पे आओगे तब जाके आपकी लाइफ जो है वो थोड़ी सेटल होगी और धीरे धीरे करके एकदम, मतलब एक तो देखो इसकी बेस्ट बात भी ये कि पूरा लॉन्ग टर्म वाला करियर है यार, मतलब चलते रहता है 20 साल तक चलते रहता है, मतलब क्या अगर आप 20 साल तक भी होगा तो भी आपके प्रमोशंस होते रहेंगे, तो इतना आगे तक का इसका करियर है। लेकिन जो सच्चाई है यार, जिसे हम नहीं हटा सकते, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो ये भी तो है कि आपको अपने स्टार्टिंग ईयर्स देने पड़ेंगे। तो कितने स्टूडेंट्स होते हैं ये एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि मैं ग्रेजुएशन करूँ मेरी स्टार्टिंग सैलरी काफी अच्छी हो, तो गाइज नहीं, इन होटल इंडस्ट्री स्टार्टिंग सैलरी अच्छी नहीं होती, ये बिल्कुल सच है। एमटी की होती है, एचओटी की होती है, रिटेल की एमटी की होती है, क्यूएसआर की एमटी की होती है, बट अगर आप एक नॉर्मल एसोसिएट लेवल से होटल में स्टार्ट कर रहे हैं तो सैलरी आपकी 15,000 अप्रोक्स से स्टार्ट होती है। प्लीज गाइज ये कोई डिमोटिवेशनल वीडियो नहीं है, मेरे को ऐसा मकसद नहीं है होटल इंडस्ट्री को नीचा दिखाना, आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रूथ। हो सकता है कितने लोग कमेंट बॉक्स में आके बोले कि यार प्लीज इतना मत करो होटल इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, बट देखो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है यार। और अगर आप मेरी वीडियो, होता ही है ना कि आप मेरी वीडियो से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो, कितने स्टूडेंट्स होते हैं ना वो सिर्फ पॉजिटिव के ऊपर फोकस करते हैं, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नेगेटिव के ऊपर फोकस करो, बट बी प्रिपेयर्ड यार, नेगेटिव भी पता होना चाहिए पॉजिटिव भी पता होना चाहिए, सारी जो है पूरा वो पता करके फिर कंक्लूजन करो। आपके करियर की बात है, आपके पेरेंट्स के पैसे जो है फीस जो है उसकी बात है, तो बहुत सोच समझ के उस चीज में जाओ अगर आप जा रहे हो तो बिल्कुल मैं बोलना चाहूंगा जिन लोगों को लग रहा है कि स्टार्टिंग सैलरी काफी अच्छी होती है, स्टार्टिंग सैलरी अच्छी होनी चाहिए, ऐसे लोग जो है देखो यार इट्स ऑल अबाउट यू, बट आप सोच समझ के करना अगर आपको होटल मैनेजमेंट करना है तो, क्योंकि स्टार्टिंग सैलरी इतनी अच्छी नहीं होती अनलेस और अंटिल यू आर मैनेजमेंट ट्रेनी, यू आर होटल ऑपरेशनल ट्रेनी, और मतलब रिटेल या क्यूएसआर के कुछ एमटी वो हो गए ओटी वगैरह। अब गाइस वीडियो का थर्ड पॉइंट है कि विल नॉट बी इजीली, इट्स नॉट वेरी इजीली स्विचेबल, मतलब कि अगर आप मेरे वीडियो के एडवांटेजेस वाले वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने बोलता काफी इजीली स्विचेबल है, ठीक है, तो हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में तो आप इजीली स्विचेबल हो जाओगे। गाइस अगर आप ये सोचो कि आपने होटल मैनेजमेंट करा, आपने एक साल काम करा, दो साल काम करा, तीन साल काम करा, और अभी आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, मुझे ऐसी जॉब करनी है जिसमें अपनी फैमिली को टाइम दे सकूं, मैं अपना आराम से घर से अप डाउन सुबह 9-10 बजे निकलूं शाम को आ जाऊं घर पे, इस तरीके की आपको जॉब करनी है, फिर आप सोचे कि मेरे को ऐसी जॉब करनी है, तो 3-4 साल के बाद आप ना थोड़े उलझ जाओगे उस चीज में, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपके पास हो सकता है चॉइस ना हो, आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आपके पास चॉइस होगी, अगर आप सोचो कि किसी ऐसी नौकरी में चला जाऊं कि जहां पर इतना कुछ ना हो, बिल्कुल देखो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी 9-to-5 वाली जॉब होती है, बिल्कुल होती है। आप टीचिंग सेक्टर्स में जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट के सेक्टर्स में जा सकते हैं, ठीक है, यानी कि टूरिज्म डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, या फिर आप कॉर्पोरेट्स में जा सकते हैं, कंपनी के जो कॉर्पोरेट्स होते हैं आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग कि अगर आप एचएम कर रहे हैं तो आप एचएम ये सोच के मत करो कि आपको कॉर्पोरेट में जॉब करनी है, आपको ऑपरेशंस में जॉब करनी है। मैं बता दूं कॉर्पोरेट और ऑपरेशंस में क्या डिफरेंस होता है। कॉर्पोरेट वो होता है जो सारी मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज वगैरह बनाते हैं, सारा कुछ डेस्क जॉब होती है एक तरीके से। ऑपरेशंस होता है जो आपको वहां पे खड़े होकर काम करना है, आपको सेल करनी है, ठीक है। होटल मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हो तो इट्स मोर अबाउट ऑपरेशंस, इट्स मोर अबाउट सेल्स, उस चीज से ज्यादा रिलेटेड है। तो मेंटली प्रिपेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो मैंने सोचा नहीं था कि इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, बट मुझे ऐसा लगा कि यार एज एन इन्फ्लुएंसर आप मेरी बातों से इन्फ्लुएंस होते हो, तो मैं नहीं चाहता कि गलत जगह पे इन्फ्लुएंस हो जाओ। प्लीज अगर आपको लगता है कि ये सब चीजें नहीं मैटर करती तभी होटल मैनेजमेंट करो, जो चीजें मैटर करती हैं वो एडवांटेजेस वाली में बताइए, बाकी और भी वीडियोस है उन्हें जाके देखो तब किसी कंक्लूजन पे आओ। पॉइंट हमारा आता है बीइंग प्रोफेशनल, यानी कि आपको पूरा प्रोफेशनल रहना पड़ेगा, ठीक है। प्रोफेशनल में भी कैसे, यानी कि पूरा ग्रूमिंग, पूरी क्लीन शेव करके रहो, ठीक है, पूरा बालों को ढंग से करके रहो। तो गाइस बीइंग प्रोफेशनल में आता है पूरा ग्रूमिंग से रहना, पूरे नेल्स वगैरह अच्छे से कट हो या पूरे कपड़े वगैरह अच्छे से पहने एकदम प्रेस होके, ठीक है, एकदम मतलब आप कैजुअली नहीं रह सकते। आपको नॉर्मल ऑफिस में भी जाना है, नॉर्मल ऑफिस में अगर आप जॉब करने जाते हैं थोड़ा कैजुअली जा सकते हो, बट इन होटल मैनेजमेंट आप कैजुअली नहीं जा सकते, आपको पूरा प्रोफेशनली रहना है। वो कोट पैंट पहने रहना है, वो शेफ कोट पहने रहना है, वो किचन की ड्रेस, वो F&B की ड्रेस, तो वो पूरा आपको प्रोफेशनली उसमें रहना पड़ेगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कभी कभी आपका मूड भी ऑफ होता है, कभी कभी नहीं होता, मन नहीं करता, बट स्टिल यू हैव टू एक्ट प्रोफेशनल, ठीक है। यानी कि अगर आप गेस्ट के सामने जा, आपका अंदर से मूड खराब है लेकिन गेस्ट के सामने आप स्माइल करके बात कर रहे हैं, तो वो उस बात की, उस चीज के बारे में बात कर रहे हो। तो आज की वीडियो सिर्फ मेन जो आज की वीडियो है ना वो मेंटल हेल्थ के ऊपर है कि ये सब चीजें होती हैं गाइस, इन चीजों को ध्यान में रख के होटल मैनेजमेंट करो। मैं नहीं चाहता कि होटल मैनेजमेंट करके आपका भी लॉस हो, और जो स्टूडेंट गोल ओरिएंटेड है, जो होटल ओरिएंटेड है, जो करना चाहते हैं सही में एमटी क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए फालतू का कॉम्पिटिशन क्रिएट हो, आई डोंट वॉन्ट दैट। पूरी वीडियो का जो मेन एम था गाइस, जो मेन कॉन्क्लूजन है वो यही है कि अगर आप एक 9-to-5 वाली जॉब ढूंढ रहे हैं, आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग की सैलरी अच्छी हो, आप चाहते हैं कि आप अपने घर से अप डाउन करें, हाँ घर से अप डाउन वाला तो मैं बताने ही भूल गया गाइस, मतलब घर से अप डाउन का ये सोचो कि
आप नॉर्मल जॉब करते हैं, आप घर से अपडाउन कर सकते हैं, हो सकता है देखो रिटेल में आप कर लें, QSR में आप कर लें, आप होटल मैनेजमेंट कर लें, उसके बाद रिटेल में QSR में आप घर से अपडाउन करके कर लोगे, बट होटल इंडस्ट्री में घर से अपडाउन नहीं हो पाएगा अनलेस और अंटिल वो आपके होटल आपके घर के बहुत ज्यादा पास है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट होती है, आफ्टरनून शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट होती है, इवनिंग शिफ्ट होती है, मॉर्निंग शिफ्ट होती है, और बदलती रहती है शिफ्ट, ठीक है, एक हफ्ता कोई शिफ्ट चलेगी, फिर एक हफ्ता कोई शिफ्ट होगी, तो आपको अलग से पीजी लेके रहना पड़ेगा, फ्लैट लेके रहना पड़ेगा, उसमें आपको खुद से सारी कुकिंग करनी पड़ेगी, खुद से अपने कपड़े धोने पड़ेंगे, खुद से सारा काम करना पड़ेगा, सो इफ यू आर कंफर्टेबल फॉर डेट, इफ यू आर गोल ओरिएंटेड कि यार मैं कुछ भी करके 4-5 साल स्टार्टिंग में मेहनत करूंगा, बहुत अच्छे से मेहनत करूंगा, और मुझे मैनेजर बन के ही रहना है, मुझे चाहिए, वेट कर सकते हैं उतनी ज्यादा सैलरी के लिए इतना स्टार्टिंग ईयर में, तो बिल्कुल अचम करिए, बट अगर आप नहीं कर सकते वेट, आपको चाहिए कि मतलब ग्रेजुएशन करूँ, सब कुछ अच्छा हो, तो देखो मुझे नहीं पता कौन सी जॉब होती है, बट प्लीज फाइंड सम अदर काइंड ऑफ जॉब, ठीक है, लेकिन दिस माइट नॉट बी फॉर यू, और आप कॉम्पिटिशन क्रिएट कर देंगे फालतू का। इंपॉर्टेंट था ये वीडियो बनाना और रिमाइंड करवाना, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स होते हैं यार, उन्हें पता ही नहीं होता, पता है आप यू गाइस वोंट बिलीव, बट मुझे सुन के इतना अजीब सा लगता है, स्टूडेंट के मैं इंस्टाग्राम पे जब रिप्लाई करता हूँ, वो मेरे पास आके ये बोलते हैं कि सर मेरी फैमिली जो है उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मेरी फैमिली पुअर फैमिली है, तो और मैं क्या करता हूँ ना, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, मतलब वो ऐसे बोलता है कि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, मेरी 12th हो चुकी है, मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी फैमिली पुअर बैकग्राउंड से है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं लोन लेके अब देखो एक बात को हम नहीं ठुकरा सकते कि होटल मैनेजमेंट की फीस हाई होती है, वो क्या बोलते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं लोन लेके होटल मैनेजमेंट करूँ, और क्या कहते हैं अपनी साथ साथ जॉब वगैरह करके भी अपनी फीस वगैरह, यार इतनी चीज़ें मत करो, इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जगह होता पर्सनली, मैं तो होटल मैनेजमेंट नहीं करता, तुम्हारा मुझे नहीं पता, क्योंकि यार अगर तुम इतना करो तो ऑफकोर्स 2-3 साल बाद फिर सैलरी तो इतनी होनी चाहिए कि तुम लोन हटा दो अपना और थोड़ा, बट स्टार्टिंग सैलरी नहीं होती है, वो ड्रॉबैक है, आपको उस चीज़ को करना पड़ेगा, उस चीज़ के वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो उस चीज़ को फोकस लेके चलो गाइस, ठीक है, मैं कुछ गलत ऐसा मैनिपुलेट नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ बैलेंस करके चलता हूँ, जहाँ भी मुझे लगता है मेरे चैनल पे एडवांटेजेस ज़्यादा हो रही है, मोटिवेशनल जा रहा है, मैं फिर डिमोटिवेट खुद से डिमोटिवेट ना करके ये बोलो कि मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ फिर से, मेरा मेन फोकस रहता है कि चैनल जो है वो मेरा बैलेंस रहा है, स्टूडेंट्स को पूरा बैलेंस रख के पता रहे कि ये चीज़ है और ये चीज़ है, फिर वो आसानी से कर पाए अपना मेन फोकस। एंड में तो ये बोलूंगा गाइस कि अगर आपके अंदर वो एनर्जी है, आपके अंदर वो बात है अचम करने की, कि आप ये सोचते हैं कि ठीक है मैं अपने स्टार्टिंग की कुछ दे दूंगा और बाद में जाके मैनेजर बनूंगा और अच्छी खासी आपको सैलरी मिलेगी, बिल्कुल ये बात अच्छी है, इंसेंटिव्स मिलेंगे, टिप्स मिलेंगे, फ्यूचर में मतलब फॉरन जाने की आपकी बहुत ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज निकलती है, ऑफकोर्स नॉट इन फ्रंट ऑफिस में बहुत कम निकलती है, बट किचन और F&B में तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज निकलती है, तो आप विदेश में जा सकते हैं, इंडिया से आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर चीज़ें जो है वो कंपेरेटिवली बेटर होती है इंडिया से। आपको पता अगर और कोई भी यूट्यूबर होता ना, वो थोड़ा सोचता है ये वीडियो बनाने से पहले कि यार इस चीज़ के ऊपर तो मेरा पूरा चैनल है, अगर आप मेरे बारे में सोचो कि मेरा हॉस्पिटैलिटी बस है, तो मेरा तो मेन फोकस ये रहना चाहिए ना कि अगर मैं अपने चैनल की ग्रोथ की बात करूँ कि मैं सिर्फ एडवांटेजेस, बट यार नहीं, मेरा मेन फोकस ग्रोथ नहीं है, मेरा मेन फोकस सिर्फ इतना है कि वो स्टूडेंट्स जो आके फालतू में आके अपने पेरेंट्स की जो सैलरी उनकी जो होती है वो फालतू में फीस में वेस्ट कर रहे हैं वो हो गया, या फिर जो अपना ड्रॉप आउट करेंगे वो हो गया, या फिर फालतू में आके जो कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है, बाद में आके वो ड्रॉप आउट करके चले जाएंगे, लेकिन जो कंपटीशन बढ़ रहा है उनके लिए जो सही में MT क्रैक करना चाहता है, छोटी करके कुछ ना कुछ करने चाहते हैं, वो कॉम्पिटिशन ना क्रिएट हो, इसलिए ये मेरा मेन फोकस रहता है इस चैनल के थ्रू। चलिए गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी नई वीडियो आएगी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।